हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स पास आउट भी हो गए हैं, जिनको मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका क्लियर नहीं हो पाया है, और उन्हीं में से एक स्टूडेंट मैं भी हूँ जिसका क्लियर नहीं हुआ है। तो मेरी कुछ ऐसे मिस्टेक्स थी जिनके वजह से मेरा ये क्लियर नहीं हुआ, उन्हीं मिस्टेक्स को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा मेरा एक मिस्टेक था, जो कि था टाइम मैनेजमेंट। जिस हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था, वो मैं अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही थी। सो प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना टाइम टेबल अच्छे से मेंटेन करके उसको फॉलो करें। और सेकेंड वन इज़ कंप्लीट योर आईसीआई मॉड्यूल। फर्स्ट हमें अपना आईसीआई मॉड्यूल को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, 100% उसको कंप्लीट करके रखना चाहिए। थर्ड वन इज प्लीज डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। जैसे कि मैम हो गई थी अपने एक सब्जेक्ट को लेके ओवर कॉन्फिडेंट, तो आप कभी गलती ना करें और सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे, इक्वली प्रिपेयर करें। फोर्थ वन इज टू डोंट हैव कलेक्ट लॉट्स ऑफ स्टडी मटीरियल। सबसे पहले हमें अपना आईसीआई मॉड्यूल कंप्लीट करना चाहिए, आफ्टर देन आपके पास अगर कुछ भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है तो आप वो कर सकते हैं। लास्ट वन इज सॉल्व पास्ट 5 ईयर मॉक टेस्ट पेपर विद राइटिंग प्रैक्टिस। ज़्यादा नहीं बट लास्ट 5 ईयर के मॉक टेस्ट पेपर हमें सॉल्व करना ज़रूरी है। सो यही मेरी मिस्टेक्स थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो आप लोग ना करें अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। और अपकमिंग प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।